रोड तो अपने पीछे है ना, मॉल रोड ऊपर है आपका सीधा वहाँ पे। ये आपका ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का सीधा ऊपर ही है। अच्छा ये मॉल रोड है, ये ऊपर वाला रोड पड़ता है। और ये अपने पीछे से भी बाहर निकल सकते हैं, और पीछे से निकलते सीधा कब्रिस्तान में। अभी तो मैं कल ही तो आया हूँ रात को। अच्छा यही ट्रेन वापस आएगी? वो भी दूसरा ट्रेन भी रहता है, आने वाला दूसरा रहता है। जैसे जैसे मेरे को सिर्फ घूम तक जाना है माल। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग, एंड राइट नाउ इट्स 10 AM। आई एम ईशान, वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स, एंड यू आर वॉचिंग माई ऑल इंडिया राइड एपिसोड नंबर 14। अभी अभी मैंने भैया से थोड़ा बहुत पूछ रहा था, यहाँ की इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि भाई यहाँ के क्या क्या सिनेरियोज हैं, ट्रेन वगैरह सारी चीज़ें, कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे घूमने का है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस पता चला थोड़ी बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, व्यू वो देखो सामने, वो जो धुआं निकल रहा है ना, ऐसे जो पहाड़ों में से धुआं निकलता है घरों में से जैसे भी, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी हो रही है मेरे को। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ जब मैं पहाड़ों में आता हूँ, मैं ऐसे ही बहुत खुश हो जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को मन नहीं करता बिल्कुल भी ना कुछ और करने का, बस मन करता है देखता रहूँ इनको, बस देखता रहूँ। अभी भी मैं बाहर नहीं गया हूँ 10 बजे तक, क्योंकि मेरी अभी नीचे एडिटिंग वगैरह चल रही है रूम में, तो मेरा थोड़ा सा काम रह गया वो कंप्लीट करते हैं, इतने फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर देखता हूँ कहाँ कहाँ पे घूमना है, कैसे क्या क्या करना है। अब मेरे चेहरे पे ना हमेशा खुशी रहेगी क्योंकि मैं पहाड़ों में हूँ, हंसता रहूँगा, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बस हंसता रहूँगा। तो इधर मेरी वीडियो एडिटिंग पे लगी हुई है, लास्ट क्लिप थी जो मैं ऊपर शूट करने गया था वो वाली, अब इसका ऐड कर देता हूँ, फिर इसको रेंडर करके और अपलोड कर देंगे। अपने काम वाम खत्म करके मैं जा रहा हूँ अभी मॉल रोड पे, क्योंकि मेरे को लगी है भूख, सुबह के 11:30 हो गए, अब तक कुछ नहीं खाया, तो फूड एक्सप्लोर करते हैं। और कुछ कुछ जगह हैं जो मैं आपको ऊपर चल के बताता हूँ मॉल रोड पे चल के, जहाँ पे जो भी कैफेज़ वगैरह हैं, जो भी अच्छे हैं, बेकरीज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी रूबरू कराता हूँ। ये यहाँ की कोई मार्केट आ गई है आई थिंक दार्जिलिंग की, मॉल रोड तो ऊपर है। पार्किंग कहाँ पे है? ऊपर में वो एमजी रोड बोल के जाइए। एक तो है ना पहाड़ों में ना पता नहीं चलता कहाँ से कौन से रास्ते से जाना है। ओके सो दिस इज द पार्किंग स्पॉट, और यहाँ पे देखो ऐसे बाइक्स लगी हुई हैं। ये भैया यहाँ पे पीछे मेरी पर्ची काट रहे हैं पार्किंग की। और सबसे बड़ी एक बकवास चीज़ मैंने कर दी है, मैं वॉलेट हिलाना भूल गया हूँ। अरे यार जेब में तो पैसे भी नहीं है, खाली हाथ आ गया मैं तो। ऑनलाइन लेते हो? सो मेरा वॉलेट होटल में रह गया है, ऑनलाइन ले लोगे क्या? ऑनलाइन तो नहीं है। ओके सो यहाँ पे 20 rupees पर आवर के हिसाब से पार्किंग चार्ज है, बट मेरे को एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने मेरे को चेंज दे दिया, मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दी 1000 rupees। चलो अच्छा हो गया। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मॉल रोड। मॉल रोड पे सबसे पहले मैं विजिट करने वाला हूँ क्लेनरीज। ये बना था 1885 में, ब्रिटिश के टाइम का है ये। सबसे पहले बास्केट लेना है, टोंग लेना है, और आपको जो भी मफिन, केक, पेस्ट्री, एनीथिंग यू वांट, यू जस्ट टेक इट बाय योरसेल्फ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी यहीं पे आके अब पूरी की पूरी बास्केट भर के पैकिंग करा के भी लेके जाते हैं। मॉल रोड पे अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे बार भी है नीचे, अगर डाइन इन लाइक रेस्टोरेंट वाली फील लेनी है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको खाने के लिए और भी सारी मील्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग। और उसके बाद आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हो इस बालकनी में। इस बालकनी से आता है पूरा दार्जिलिंग का व्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पे बैठ के अपना फूड एंजॉय करने का एक अलग ही मजा है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैंने जो फ्रूट केक लिया था ये बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो मेरे से ये पूरा खाया नहीं गया, मैंने यहाँ पे इनसे पैक करा लिया। इनका स्टाफ इतना अच्छा, उन्होंने मेरे को इजीली ये पैक भी करके दे दिया, और इसको मैं अब लेके जाऊँगा अपने साथ। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो क्रीम रोल है, ऐसा क्रीम रोल मैंने पहले कभी नहीं खाया। हमेशा हम ना वाइट क्रीम वाला क्रीम रोल खाते हैं, ये येलो क्रीम वाला, और इसका टेस्ट ना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा क्रीम रोल अब मेरे ख्याल से आपने लाइफ में कभी नहीं खाया होगा। मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट क्रीम रोल इन माई एंटायर लाइफ। बस देखो ये फोटो है, और यहीं पे हुई थी बर्फी मूवी की शूटिंग, ऊपर एग्जैक्टली जहाँ पे ये अम्ब्रेलाज लगी हुई हैं वहाँ पे। कैवेंटियर्स मॉल रोड पे एंटर करते ही है, और इत्तेफाक से आज थर्सडे ही है। ओके सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, मैं हूं ना शाहरुख खान वाली, तो बस उसकी जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो था सेंट पॉल स्कूल। और सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग में है, यहाँ से 1.8 किलोमीटर एंड 8 मिनट्स। वन मोर थिंग, यहाँ के मॉल रोड्स पे आप बाइक नहीं चला सकते हो, अगर आप बाइक चलाओगे तो आपका चलान होगा, आपको सिर्फ पुश करके लेके जाना होगा नीचे खुद। दिस इज द रूट टू सेंट पॉल स्कूल।
एक्सक्यूज मी, सेंट पॉल स्कूल किधर है? ऊपर। थैंक यू। ओ देयर इट इज, क्या खूबसूरत जगह पे बनाया हुआ है यार ये स्कूल। सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर सकते क्योंकि मिलिट्री एरिया है, डिफेंस लैंड कैंटोनमेंट एरिया है, एंड देयर इट इज सेंट पॉल स्कूल। स्कूल में विजिट कर सकते हैं क्या? विजिट कर सकते हैं? ओके अंदर आना ही मना है भाई, तो वीडियोग्राफी तो बिल्कुल नहीं अलाउड। ओके बाहर से देख लेते हैं, आपने देख लिया ना, यह है मैमूना वाला स्कूल, ऊपर पूरा मिलिट्री एरिया है। फोटो खींच लेता हूँ इसकी एक। दिस इज द बॉस इंस्टीट्यूट एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स एंड साइंस। ओ भाई मजे, आई थिंक सुभाष चंद्र बोस का इंस्टीट्यूट है वो। इस पकौड़ा यहीं से है? थैंक यू। ओके सो जैसे तैसे करके मैं पहुँच गया हूँ बुद्धिस्ट टेम्पल नेम्ड एज पीस पगोड़ा, एंड दिस इज द आई थिंक जैपनीज टेम्पल। यस एंड दैट वन इज पीस पगोड़ा। तो इट वॉज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। पीछे आप मेरे देख सकते हो स्तूपा, पीछे से धूप आ रही है, मैंने इसलिए अभी सनलाइट को कवर करा हुआ है। एंड स्तूपा को देखने में ना साइडों में उसके जब हम सर्कल पूरा टर्न करते हैं, जो परिक्रमा बोलते हैं जिसको, वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था सारी चीज़ें, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है उनकी पूरी लाइफ। मेरे ख्याल से पूरा उनका जो बर्थ था उनका, उनसे लेके पूरा जो भी उनका फाइनल जो एंड होता है ना एज का, वहाँ तक, साथ में जो पिक्चर्स हैं और बहुत सारी सब सोचने पर मजबूर करती हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। या देर इज़ अ वन प्लेस नेम्ड एज हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, लुक एट दिस। और मैं सोच रहा हूँ अभी इस पर भी विजिट कर लें क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, तो हम माउंटेन्स जो भी क्लाइंब वगैरह करते हैं बहुत सारे चीज़ें, सारे इक्विपमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टीट्यूट में दिखाते हैं, और कोई भी यहाँ पे विजिट कर सकता है। और ये सारी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सारी चीज़ें, लाइक अ म्यूजियम टाइप है। डेट इज 6.3 किलोमीटर 22 मिनट्स। ओके बाय बुद्धिस्ट पीस पगोड़ा। वाह क्या डॉग है, हट्टा कट्टा पूरा। फाइनली मेरे को ट्रेन दिख गई भाई दार्जिलिंग की, ये देखो स्टीम ट्रेन, स्टीम इंजन। वाव दिस इज अ दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। अगर मैं जा ही रहा था तो रास्ते में मेरे कुछ दिख गया है तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। बबल बेड्स, कुछ खा पी के चलते हैं, हम दोपहर हो गई है तो ठीक है अभी चलेंगे। मैं देख लो, मैंने लोकेशन नहीं लगाई थी यहाँ की, अभी भी 1.1 किलोमीटर है, 4 मिनट का रास्ता है, पर मेरे को ये दिख गया तो मैं रुक गया, कितना बढ़िया हुआ। सो आई एम बैक अगेन ऑन द रोड्स, डेस्टिनेशन इज अबाउट 1 किलोमीटर, 3 मिनट्स ओनली। हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट तो यहीं पर ही है, सब कुछ टूटा पड़ा है।
काम चल रहा है यार यहाँ पे, तो कुछ फिर क्या किया जाए अब। तो मैंने अभी यहाँ पे एक भैया से पूछा कि ये ओपन है क्या, तो ये कह रहे हैं कि बंद है ये। ठीक है तो वहीं चलते हैं, कंचनजंगा व्यू पॉइंट। लुक एट दिस, दिस इज़ अ नॉर्थ पॉइंट स्कूल ऑफ दार्जिलिंग। कितना सुंदर लग रहा है यार ये स्कूल, कितने अच्छे हैं यार यहाँ पे। ओके ये देखो केबल कार्ट मेरे सामने से जा रही है, कन्वेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दार्जिलिंग। यहाँ से ये क्या चल रहा है यहाँ पे, लड़की कैसे ऊपर चढ़ी हुई है, एक और चढ़ गई वो देखो। अच्छा ये यहाँ से रॉक पे चढ़ा रहे हैं ऊपर कंचनजंगा के लिए। मेरे को जहाँ से राइट दिखा रहा है वहाँ पे तो यार कोई राइट है ही नहीं, पहाड़ है, पहाड़ के अंदर कहाँ पे अंदर घुस जाऊँ, कोई माया माया का पहाड़ है क्या। अरे अभी देखना भी है ना, दिखाएगा, मैं आगे चला गया था तो यू टर्न लेके आऊँ, अभी देखना ये लेफ्ट दिखाएगा। अरे हो जा रही रूट, ये देखो ये यहाँ से देखो लेफ्ट दिखा रहा है 20 मीटर, ओके 10 मीटर एंड 0, कहाँ है देखो लेफ्ट, मतलब क्या, अरे कहना क्या चाहते हो गूगल मैप। कंचनजंगा व्यू पॉइंट कहाँ पे है, किधर ये साइड, ये साइड वाला सारा अभी अभी तो बादल है कि नहीं। हाँ बादल है, बादल है ना, अभी तक तो थोड़ा आज तक तो क्लियर था। अच्छा अभी क्लियर था, ओके ओके थैंक यू भाई। यही है भाई कंचनजंगा व्यू पॉइंट, राइट साइड में पूरा कंचनजंगा है पर थोड़े सा फोग बादल है तो उस वजह से आप देख सकते हो सामने फोग आने लग गई है। सो फाइनली 2000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2066 हो चुके हैं इस राइड के, एंड आई एम इन वेस्ट बंगाल। सो राइट नाउ इट्स 5 PM एंड इट्स 8 degrees इन दार्जिलिंग। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले अपने होटल और हॉस्टल व्हाटएवर भी से और यहाँ पे आते ही मैंने अभी अभी ड्रोन फ्लाई करा था, यहाँ पे अभी सनसेट हुआ था, वो अभी सनसेट हो चुका है, ऑरेंजिश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें आज मैंने एक्सप्लोर कर ली, मेरा रास्ते में गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं आपको बता नहीं पाया काफ़ी सारी चीज़ें। वो कंचनजंगा वैसे भी आज क्लाउडी है तो फिर दिख नहीं रही थी, और वही जो थी ना जो सारी शॉप्स थी वहीं से ही दिखती थी। उसके बाद मैं आ तो अपने हॉस्टल ही रहा था, पर हॉस्टल आते आते एकदम से ना, पर मेरे को यहाँ की ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है, तो ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी टाइमिंग, टिकट्स, जो भी फेयर वगैरह वो सारी चीज़ें एक बार पता कर लूँ ताकि मेरे को कल दिक्कत ना हो, ईजिली आज सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था अच्छा खासा, उस टाइम अराउंड 4 बजे थे। तो मैं जब वहाँ पर गया तो एक स्टीम इंजन मतलब कि निकलने को तैयार था और वो निकल गया था, और 4 भी नहीं बजे शायद 3:30 हुए थे, तो 3:30 पे वो वहाँ से निकली, बस उसको बस फॉलो करने लग गया, इतना मेरा गोप्रो बंद हो गया। 360 के अंदर मैंने पूरी की पूरी वो क्लिप बनाई और फिर 360 के अंदर क्लिप बना के मेरे को बहुत अच्छा लगा उस ट्रेन के साथ अपनी बाइक चला के। उसके बाद मैं बतासिया लूप गया, बतासिया लूप में मैंने वहाँ पे जाके ड्रोन फ्लाई करने का पूछा कि विदाउट परमिशन आप यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी थ्रू कोर्ट और एक कुछ सैनिक कुछ डिपार्टमेंट बता रहे थे। और वहाँ पे बहुत सारा शूट करा बतासिया लूप पे, मैंने बतासिया लूप वॉर मेमोरियल एक्सप्लोर करा, वहाँ पे मैंने उस ट्रेन को देखा, वहाँ पे आके 20 मिनट्स का वहाँ पे हॉल्ट होता है ट्रेन का, स्टीम इंजन और डीजल इंजन दोनों एक साथ चलते हैं, आगे स्टीम पीछे डीजल, तो बिल्कुल बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें देख के। जैसे वो अंदर फायर डाल रहे थे, अंदर जब आग के अंदर जो कोल डाल रहे थे ना उसको देख के, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं एक ही दिन में इतना सब कुछ एक्सप्लोर कर पाऊंगा, बट मैंने आज काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया, 5-7 चीज़ें मैंने एक्सप्लोर कर ली। लुक एट दिस मोनेस्ट्री कितनी सुंदर है, इसका गेट देखो कितना सुंदर है, और इसका नाम है ये ट्रक चोलिंग मोनेस्ट्री, कितनी सुंदर लग रही है ना। पहले मैं एडिटिंग करूँगा फिर उसके बाद डिनर वगैरह करूँगा, एंड डैट्स ऑल फॉर टुडे इन दार्जिलिंग, डैट्स ऑल फॉर
ऑल इंडिया राइड एपिसोड नंबर 14। आज के इस व्लॉग को अभी इतना ही रखते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको अच्छा भी लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। प्लीज़ कमेंट करा करो, मेरे को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ जितना हो सके शेयर करो, सपोर्ट करो यार ऑल इंडिया राइड को, प्लीज़ सपोर्ट करो। और डैट्स ऑल फॉर टुडे, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, बाय बाय। ऐसे ठंड बहुत है दार्जिलिंग में, इस चीज़ का ध्यान रखना। रात को 5 डिग्री हो जाता है और इतना ठंडा मौसम हो जाता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। अभी भी ना हाथ बिल्कुल ऐसा जमने लग जाते हैं बाइक चलाते हुए, तो 4 बजे के बाद ही जमने शुरू हो गए थे, क्योंकि किसी किसी जगह पे धूप आती है, किसी किसी जगह पे नहीं आती ड्यू टू माउंटेन्स।